भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन के अंतिम दिन समाहरणालय परिसर स्थित अपर समाहर्ता कार्यालय परिसर में नामांकन कराने वालों की भारी भीड़ उमड़ी रही। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नगर निगम के महापौर, उप महापौर और पार्षद पद के लिए काफी संख्या में पुरुष और महिला प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव नामांकन के अंतिम दिन ADM कार्यालय और आसपास में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया, जबकि नामांकन के बाद वहां मौजूद समर्थकों और शुभचिंतकों ने बधाई और जीत की शुभकामनाएं देकर उत्साह बढ़ाया। इससे पूर्व अलग अलग वार्ड से प्रत्याशियों ने ढोल बाजे के साथ अपने अपने वार्ड क्षेत्र का भ्रमण किया और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने पक्ष में समर्थन देने की अपील की। नामांकन काउंटर पर जहाँ संभावित प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया, वही काउंटर पर मौजूद अधिकारी और कर्मियों ने लोगों को कई जानकारी भी दी। शनिवार को वार्ड नंबर 16 से मेयर पद के लिए श्वेता प्रियदर्शनी समेत कई लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। वार्ड नंबर 7 से संतोष शाह, वार्ड नंबर 8 से शहबाज, 49 से स्नेहलता सिन्हा समेत विभिन्न वार्ड से दर्जनों प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान कई पूर्व पार्षद और नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके संभावित प्रत्याशियों को भी चहलकदमी देखी गई। आई एम रेडी टू फाइट एंड आई एम ऑलरेडी फाइटिंग फॉर यू ऑल। हम चाहते हैं आप मेरे तक पहुँचे, हम आप तक पहुँचे और आप ही लोग मेरे तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं सबको नहीं पहुँच पाती हूँ कि आप क्या, आपका समस्या है, आप किस समस्या से, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगी कि एज अ मेयर अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम वो सारी लीगल रिसोर्सेज को एक्टिवेट करेंगे और हम आप तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कहीं ना कहीं सप्रेस है, छुपा हुआ है, दब गया है और अदर चीज़ों में लोग उलझ गए हैं, लेकिन बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं है। हम सिर्फ पेपर वर्क करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अभी पेशे से अधिवक्ता जी, उसके बाद अगर जनता चुनती है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा निगम? ये मेरे लिए सबसे पहला सवाल था। मैं कदम रखने से पहले यही बात सोच रही थी कि ये मेरे लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण सफ़र होगा और मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि क्या मुझे वकालत करने के लिए नहीं मिलेगा। तो लेकिन मुझे सभी लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं लॉबी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए अपीयर हो सकती हूँ कोर्ट में। तो मैं दोनों को एज अ चैलेंज करना पसंद करूँगी। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में शनिवार को जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने की। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई और कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी सांसद ने ली और अधूरे पड़े योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधि ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली विभाग से संबंधित सुझाव साझा किए, साथ ही पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कही। मौके पर DM सुब्रत कुमार सेन सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शराब मामले में 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये कारोबारी शराब की बड़ी खेप सुल्तानगंज की ओर बेगूसराय की तरफ लेकर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमरगंज दुर्गा स्थान के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे मामले की जानकारी CTSP सोन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। CTSP ने बताया कि मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अमन कुमार, आनंद मोहन, बबलू सिंह, राम कुमार, शशि भूषण सिंह बताए जा रहे हैं। CTSP ने कहा कि शराब कारोबारियों के पास है 750 ml की 39 कार्टून, 375 ml की 69 कार्टून और 180 ml के 38 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही 2-4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान ये लोग गाड़ी में सवार थे। फिलहाल पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत निर्माण कराए गए बोरिंग में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे बोरिंग में लगे प्लास्टिक पाइप पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के बाद से ही इलाके में जलापूर्ति ठप हो गई है। दरअसल सुल्तानगंज के वार्ड संख्या 3 करहरिया पंचायत में शुक्रवार की रात पुआल में मोबिल डालकर बदमाशों ने बोरिंग में आग लगा दिया, जिससे करीब 200 घरों में जलापूर्ति बंद हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश है। वार्ड प्रतिनिधि प्रमोद
प्रमोद कुमार ने बताया कि पहले भी असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे बदमाशों का मनोबल काफी बढ़ गया और दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल बोरिंग जलने के कारण ग्रामीणों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय सीमांचल दौरे के दूसरे दिन शनिवार को किशनगंज में सुरक्षा की परवाह न करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने डे मार्केट में लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना कर टेढ़ा गाछ के लिए रवाना हुए, जहां SSP के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान डे मार्केट में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत कर जिंदाबाद के नारे लगाए। पीरपैती मध्य विद्यालय दुलदुलिया में शनिवार को संजीवनी गंगा गंगा मिशन एवं पीरपैती पुलिस द्वारा आयोजित पर्यावरण संरक्षण सह नशा मुक्ति जन जागरण अभियान के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य छवि लाल मंडल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता आती है। प्राचार्य ने आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी और संजीवनी गंगा की टीम को ऐसे आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। वह शिक्षिका शिवानी राणा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कहा कि यह एक वैश्विक मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को मेडल, कॉपी एवं कलम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुभाष कुमार यादव, साधना भारती, निशा कुमारी, चंदा कुमारी, पुष्पा कुमारी सहित काफी संख्या में स्कूल के छात्र शामिल हुए। भूमि विवाद के निपटारे को लेकर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है। वहीं इसको लेकर आज नाथनगर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें नाथनगर थाना क्षेत्र के कुल 8 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता रेवेन्यू ऑफिसर सुशीला देवी ने की। आरओ ने बताया कि हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है और इस शिविर में आए सभी मामलों में दोनों पक्षों की बातों को सुनकर फैसला किया जाता है। आज भी नाथनगर थाना क्षेत्र के कुल 8 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही मौके पर शिविर में थाना की पुलिस भी मौजूद थी। बेगूसराय के मंझौल में ट्रेनिंग ले रहे सैकड़ों छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को DM कार्यालय के समीप धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्राओं ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र पर अव्यवस्था के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसके निदान की मांग को लेकर वह लोग बेगूसराय जिलाधिकारी से मिलने पहुंची, लेकिन व्यस्तता के कारण DM रोशन कुमार कुशवाहा ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद छात्राएं आक्रोशित हो गई और धरने पर बैठ गई। छात्राओं ने कहा कि पूर्व में जिलाधिकारी से मिलकर समस्याओं की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद DM ने 1 सप्ताह में सभी समस्याओं को दूर कर लेने की बात कही थी, लेकिन आज तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। और प्रिंसिपल मैम नहीं लगा रही है। क्या क्या परेशानी है, क्या कह रहे हैं? क्या करें, 1 तारीख को जब हम लोग यहाँ आए थे तो DM सर बोले कि 7 दिन के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप लोग कौन है, क्या है? बेगूसराय के स्टूडेंट। आप लोगों को कहाँ अभी ट्रेनिंग दी जा रही है? वहाँ क्या परेशानी, आपको परेशानी वहाँ क्या हो रही है? वहाँ पर कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है, नहीं जाने आने का व्यवस्था है। हम लोग खेत से गुजर के जाते हैं आते हैं, कोई रिस्क नहीं ले सकता है कि हम लोग के साथ क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को लेदर बैग बनाने वाली फैक्ट्री का अवलोकन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात कर महिला स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने के लिए जीविका दीदी के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा, जहाँ इसकी शुरुआत उन्होंने मुजफ्फरपुर की चयनित जीविका दीदियों को महिला स्वरोजगार योजना के तहत ऋण मुहैया करा कर किया। दरअसल 40 चयनित जीविका दीदियां इस निजी फैक्ट्री से रॉ मटेरियल लेकर अन्य महिलाओं से बैग की सिलाई एवं बैग से संबंधित सारे काम करवाएंगी। इस पूरे बैग निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिदिन लगभग 3 दर्जन महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जो बैग तैयार करने में सहायता करेंगी।
अररिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री की रैली के नाम पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष चुराना के द्वारा 25,000 रुपये की मांग की गई। रुपये की मांग विधायक के नाम पर जिले के सभी एमओ से मांग की गई है। वायरल वीडियो में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष चुराना के द्वारा रुपये देने की मांग की जा रही है, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सिल्क टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ संतोष साहब, अरे आपको विधायक जी बुलाया था, आए नहीं, आए भी विधायक जी अभी वेट करके चले गए। न बोल रहे थे बराबी जी इधर संडे को ही फुर्सत नहीं पाता। रात में आएंगे फार विजन, 8-9-10 बजे तो आप मिल जाइएगा। 8-9 बजे तो नहीं, मतलब आपको तो बोले थे अनुमंडल आ जाते तो हम 6 बजे तक। डेरा पे मिलिए ना हमसे, अनुमंडल कहाँ जाएंगे, हमारा गाड़ी में बोर्ड है, 1,00,000 लोग देखेगा हम आपसे भेंट कर रहे हैं, यही प्रचार कराने जाएंगे थोड़े हम। आप डेरा पे कहीं या मिल लीजिए, कहीं आप डेरा के सामने हमसे रोड पर मिल लीजिए। अच्छा ठीक। 8-9 बजे आएंगे, क्या उम्मीद करेंगे, क्या मदद करिएगा, आपको उनको बता दीजिएगा तो आइडिया रहेगा। और सब कैसे मदद कर रहा है आपको? 2-5 किया है सब, 25,000 व्यवस्था रखिएगा उसमें, देख लीजिए।